इवैल्यूएशन प्लान। सो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन प्लान में हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर का वेटेज कितना आता है, ठीक है, कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के लिए हैं और उसका पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए चिल्ड्रन, मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 12 सेकेंडरी प्रैक्टिस न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड के, ठीक है। तो हम वेटेज और पेपर पैटर्न समझने से पहले समझते हैं कि आपका पेपर एक्चुअल में कितने मार्क्स के लगता है। देखिए तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का और आपका एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो रिटर्न एग्जामिनेशन तो आपको पता है चिल्ड्रन जो बोर्ड का पेपर होता है, और एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट किसे कहते हैं, जो कॉलेज लेता है पेपर, जिसे हम इंटरनल पेपर कहते हैं, जो कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। सो ऐसा करके आपके टोटल 100 मार्क्स का आपका एसपी का पेपर होता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। देखिए यह है चैप्टर नंबर, चैप्टर्स, यूनिट, टोटल मार्क्स और मार्क्स का ऑप्शन, ठीक है। अब आपका चैप्टर 1 और 2 दोनों, हाँ कंबाइन यहाँ पे दोनों चैप्टर 1 और 2 जो किसके ऊपर बेस्ड, सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये दोनों चैप्टर आते हैं 17 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ आता है ये 25 मार्क्स का। चैप्टर 3, 4 और 5 ये किसके ऊपर बेस्ड है, कैपिटल राइजिंग के ऊपर, ये तीनों चैप्टर आते हैं 24 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ ये आते हैं 35 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये तीनों चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस, यानी कि ये लेटर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर है चिल्ड्रेन, ये है टोटल 13 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ ये आते हैं 18 मार्क्स के लिए। नाउ चैप्टर 9 ये अकेला चैप्टर, सिंगल चैप्टर है, डिपॉजिटरी सिस्टम्स का नाम है, ठीक है। ये चैप्टर है 7 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ ये आएगा 11 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 10 ये भी सिंगल चैप्टर है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये कितने मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, 9 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ ये आता है 13 मार्क्स के लिए, ठीक है। चैप्टर 11 और 12 दोनों कंबाइंड, ये किसके ऊपर बेस्ड है, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, ये दोनों कंबाइन आते हैं 10 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ ये आता है 14 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसी तरह टोटल आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स और ऑप्शन के साथ ये पेपर जो आता है वो 116 यानी 116 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो ये वेटेज हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ओके। सो आपको पता है कि आपका जो टाइमिंग है वो पेपर का वो 3 घंटे का है, ठीक है, और टोटल मार्क्स है आपका 80, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप्स है ऑब्जेक्टिव के, देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला आता है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। सेकेंड टाइप है मैच द पेयर, 5 मार्क्स के लिए। तीसरा टाइप है गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म, 5 मार्क्स के लिए। चौथा है स्टेट ट्रू ऑर फॉल्स, 5 मार्क्स। पांचवा टाइप है फाइंड द ऑड वन आउट, ये भी 5 मार्क्स के लिए। छठा टाइप है कंप्लीट द सेंटेंस, 5 मार्क्स के लिए। सातवां टाइप है कंप्लीट द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, 5 मार्क्स, ठीक है, आपको ब्रैकेट में से ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है। टाइप 8 आंसर इन वन सेंटेंस, 5 मार्क्स के लिए आएगा। टाइप 9 करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस, ये भी आता है 5 मार्क्स के लिए। और लास्ट टाइप है अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, 5 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर इतने सारे हमें टाइप करने हैं क्या? हाँ इतने सारे टाइप करने तो है, लेकिन ये आपको पूरे टाइप नहीं आएंगे, यहाँ पे 10 टाइप दिया तो 10 एक साथ नहीं आएंगे, आपको कितने आएंगे? फ्रॉम द अबाउट टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, मतलब क्या कि ये जितने भी टाइप्स आपको दिए चिल्ड्रन इसमें से कोई भी 4 पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा है, मैच द पेयर पूछा है, गिव वन वर्ड थ्रू ऑफ हाउस, तो ये कितने मार्क्स के लिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 5, मैच द पेयर भी 5 मार्क्स के लिए, वन वर्ड भी 5 मार्क्स के लिए, थ्रू ऑफ हाउस 5 मार्क्स के लिए, ऐसे आपको कितने पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे। तो कोई भी 4 पूछा जाएगा 5 × 4, ठीक है, 5 मार्क्स का एक है, ऐसे 4 पूछे जाएंगे तो 5 × 4 कितने हो गए, 20 मार्क्स। तो ऐसे करके आपको ऑब्जेक्टिव का 20 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अभी आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा पूछा जाएगा, तो आपको तो सब पढ़ना है, ठीक है, जितने 10 टाइप दिए वो सारे पढ़ना है, इसमें से कोई भी 4 पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एनी 4 आउट ऑफ 6 8 मार्क्स, ठीक है। अब आपको टर्म एक्सप्लेन करना है या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, 6 में से कोई भी 4 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन,
यहाँ पे आपको केस और सिचुएशन को स्टडी करना और अपना ओपिनियन बताना होता है। तीन आते, तीन में से कोई भी दो करना है 6 मार्क्स के, मतलब एक हो गया 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4, 12 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ, एनी 2 आउट ऑफ 3 8 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2 आउट ऑफ 3 8 मार्क्स, कोई भी दो करना है आपको 3 में से 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका अटेम्प्ट द फॉलोइंग, एनी 2 आउट ऑफ 3, ये आता है आपका 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आंसर, एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से कोई भी एक करना है, कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 80 मार्क्स। ठीक है, सो चिल्ड्रेन, ये था आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ठीक है, आपने वेटेज देख लिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लिया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या पेपर पैटर्न है हमारा बोर्ड का। ठीक है, और एसपी के जो चैप्टर्स है वो कितने कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रेन, नेक्स्ट टाइम से अगली बार जो मेरा वीडियो होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको ओसी, एसपी, इको, इंग्लिश, ये सब के मैं आपको चैप्टर जो है वो एक एक करके मैं अपलोड करते चले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर्स देखने मिले, और मैं जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ चिल्ड्रन, वो बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो रखता भी नहीं। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में बिलीव नहीं करता। ओके, तो मैं शॉर्ट वीडियो में ही, शॉर्ट कंटेंट में आपको समझाऊंगा, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखना बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना, आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी अमेजिंग कंटेंट मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, जब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।